और खास करके और क्या कहना चाहते हैं आज के लिए? मैं बीजेपी भारतीय जनता पार्टी से स्टेट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एजुकेशन सेल पंजाब। हिमाचल में जो है इलेक्शन होने जा रहा है नवंबर में विधानसभा का, आप किस तरह देखते हो? क्योंकि पंजाब में तो आप लोगों को बहुत कहना नहीं चाहिए, उसके कई भी फैक्टर रहे होंगे, लेकिन हिमाचल को आप किस तरह देखते हो? हिमाचल में देखो ऑलरेडी हमारी सरकार है, हमें उस पर वर्कआउट करना है कि अब तो बस सिर्फ हमें इस बात पे वर्कआउट करना है कि ये अगले 5 महीने की हमारी क्या स्ट्रेटजी और प्लानिंग रहेगी, हमारी अगले 5 महीने की क्या स्ट्रेटजी और प्लानिंग रहेगी। वी नीड वेरी गुड प्रभारीज लीडरशिप जिनमें हो, ऐसे प्रभारी जो हैं हमारे यहाँ अगर हर कॉन्स्टिट्यूंसी में पहुँच जाते हैं तो फॉर श्योर हम लोग वहाँ पर सरकार बनाएंगे। जिस तरह भाजपा में तो एक चीज अक्सर कहा गया कि भाजपा की मैनेजमेंट बहुत जबरदस्त है, जितनी भी राजनीतिक पार्टियां अभी तक भाजपा की मैनेजमेंट बहुत बढ़िया रही, फिर भी आप कह रहे हो कि प्रभारी वहाँ अच्छे लगने चाहिए, सरकार आपकी क्या लगता है? वो तो बहुत अच्छे हैं, मैं कह रही हूँ कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज जो हिमाचल के प्रभारी हैं वो तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज जो चूज होंगे जो लीडर्स वो दे शुड बी वेरी गुड एट प्लानिंग सो दैट कि वहाँ पे हम हर कॉन्स्टिट्यूंसी में जीत तो हम जाएंगे, लेकिन हर कॉन्स्टिट्यूंसी में जीत हासिल करने के लिए हर कॉन्स्टिट्यूंसी का एक ऐसा लीडर होना चाहिए जो वहाँ पे डेफिनेटली हर मतलब वल्चर की तरह आइज रखे और वो हर कॉन्स्टिट्यूंसी को जिता के दे। तो मैम आपको क्या लगता है कि अभी हिमाचल में मतलब कौन से ऐसे काम है जो कि पार्टी को अभी करने को बाकी है, आप प्राइमरी बेस पर आप उस काम को करना चाहते हो, लोगों की जरूरत, वो कौन से काम? देखो हाँ, मैं हिमाचल में ना बहुत सारे इम्प्रूवमेंट जो है वो ज़रूरी है। एक तो इंडस्ट्रियल एरिया में मैं चाहती हूँ कि जो हमारे बच्चे जो है, जैसे हमारे हिमाचल में सिर्फ परमाणु में जो है वो इंडस्ट्रीज़ हैं, तो और हिमाचल इतना बड़ा फैला हुआ है किन्नौर से लेकर के चंबा तक, इतनी बड़ी हुआ है, 300 किलोमीटर जो है डिस्टेंस है किन्नौर और चंबा का परमाणु से, तो मैं चाहती हूँ कि किन्नौर के लोगों को हर डिस्ट्रिक्ट में इतनी इंडस्ट्रीज़ हो कि किसी भी बच्चे को जो है वो बाहर जाने जॉब करने के लिए जाने की ज़रूरत ना पड़े। एक ये डेवलपमेंट ज़रूरी है कि हर डिस्ट्रिक्ट में इतनी फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज हों कि वहाँ जितने जो हमारे बच्चे हैं हर गांव के वो एडजस्ट हो जाएं। हेल्थ सर्विसेज है और दूसरा में हाँ हेल्थ सर्विसेज, अब एम्स खुल गया, ठीक है, हेल्थ सर्विसेज भी अच्छी हो रही हैं, लेकिन इसमें भी ये है जैसे एम्स खुला है, अगर आपने उसमें सिक्योरिटी के लिए किसी को ठेका देना है या किसी चीज़ का भी आपने ठेका देना है उसमें, तो आप सिर्फ हिमाचल के लोगों को ही वहाँ का ठेका दें, वो खुद जो है वहाँ पे सर्च कर करके जो है एम्प्लॉयमेंट जो है वो लाएंगे, क्योंकि हर गांव में 10-15-20-20 अनएम्प्लॉयड बच्चे जो हैं अभी भी वहाँ पर हैं। और दूसरा मैं चाहती हूँ कि सरकार जो है, लोग वहाँ के बहुत गरीब होते हैं, इंटीरियर इलाके के जो लोग होते हैं, जो ट्राइबल एरिया के लोग होते हैं, वो बहुत ज़्यादा पुअर फैमिलीज को बिलोंग करते हैं, वो अपने घर में जो है अपने बच्चे की शादी नहीं कर सकते, तो हर जो गाँव है वहाँ पर कम्युनिटी शेड बने और वो जो कम्युनिटी शेड है वहाँ पे वो अपने बच्चों की शादी करने में कैपेबिलिटी है। मैम आप बेसिकली किस इलाके से, हिमाचल से, कौन से संबंध है? वैसे मैं बिलासपुर जो है वो मेरा मायका है और ससुराल जो है मेरा डलहौजी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वहाँ पर है। मैम मायके की बात करें बिलासपुर में मैम काफ़ी अभी इंडस्ट्रीज तो हैं, नहीं दो ही हैं, एक सीमेंट फैक्ट्री है अंबुजा सीमेंट फैक्ट्री और एक ACC है, नथिंग एल्स। रोजगार का क्या है? और एम्स जो अभी खुला हुआ है, तो रोजगार का मैंने आपको यही बोला कि वहाँ पे काफ़ी स्पेस है, इवन मेरे गांव में काफ़ी स्पेस है, वहाँ पे गौशाला खुली है, लेकिन मुझे तो ऑर्गेनिक खाद का फ़ायदा कैसे उठाना है और उन गायों की यूरिन जो निकलता है उसका फ़ायदा कैसे उठाना है, वहाँ पे एक पतंजलि का वो फैक्ट्री खुल जाए जो यूरिन जो है डिस्टिल कर करके बॉटल्स बनाए, 50 रुपीज़ की बॉटल, हर घर में यूरिन हो तो वो कैंसर जैसी बीमारियाँ नहीं हो सकती। तो मैं ये कह रही हूँ कि अगर आप गौशाला खोल रहे हो तो गौशाला के थ्रू जितनी फैक्ट्रीज लग सकती हैं वो फैक्ट्रीज जो है उसके आसपास लग सकती है। भाजपा की सरकार है देखो अपनी तरफ से तो वो कर रही हैं, बेस्ट कर रही हैं, है ना, बेस्ट कर रहे हैं। किसी इलाके में जो है भाजपा के बहुत अच्छे लीडर्स जो है चूज हुए हैं, जो कि जो थिंकफुल हैं, जो अपने नेशन के लिए सोचते हैं, जो जिनमें राष्ट्रवादी भावना आया है, वो कर भी रहे हैं समाज में ग्रो, लेकिन हर पार्टी में हर कोई सही हो ये भी कोई नहीं है, तो जहाँ जहाँ नहीं हुआ है वहाँ पे डेफिनेटली हमारी
जो सीनियर लीडर्स हैं उन्होंने देखा होगा और वहाँ पे रिप्लेसमेंट जरूर हो। आम आदमी पार्टी ने भी मतलब ना वहाँ पर प्रयाग प्रसाद दिया है, अब वहाँ पर भी वो पंजाब की तरह एक मौका मांग रहे हैं कि हमें एक मौका चाहिए, आप क्या कहना चाहोगे? मौके ना मांगे नहीं जाते, मौके मांगे नहीं जाते हैं। और वहाँ पे जो है बीजेपी का जो है इतना जो है समाज सेवा इतनी कर चुकी है वो, कि अगर आम आदमी पार्टी वहाँ पे कोशिश कर रही है, मुझे पता है वो कोशिश करेगी क्योंकि जब उसने यहाँ जीत हासिल किया तो उसके हौसले तो बुलंदी है। लेकिन हाँ एक बात ऐसी है कि उस चीज़ पे वर्कआउट चल रहा है, अंदर ही अंदर उसके ऊपर काफ़ी काम चल रहा है और जितना हल्ला है जितना शोर है, वो कहते हैं ना थोथा चना बाजे घना, वो वाला हाल है। नहीं नहीं ये आम आदमी पार्टी के लिए है, ठीक है, ये आम आदमी पार्टी के लिए है क्योंकि अभी तक जो है जो भी वहाँ के अध्यक्ष थे आपने देखा ही है, जो अध्यक्ष बनाए थे वो अभी अभी अनुराग ठाकुर जी ने जो है और नड्डा जी ने जो मिल करके वो हमारी उसमें आ गया, वो कहाँ का कार्यकर्ता हुए जो बदल दल बदलते हैं वो तो किसी के भी नहीं है। तो बिल्कुल आम आदमी पार्टी के जो लीडर हैं वो ये कह रहे हैं, दावा कर रहे हैं, मतलब मीडिया पर तो नहीं आ रहे हैं लेकिन सोर्सेस कह रहे हैं कि जल्द ही बीजेपी के बहुत सारे लीडर जो है आम आदमी पार्टी में खड़े नजर आएंगे, लाइन में नजर आएंगे और हम तो विन कर रहे हैं, हमें तो इलेक्शन लड़ने की जरूरत नहीं, मतलब हम विन कर चुके हैं, वो यहाँ तक भी कहते हैं। हाँ बिल्कुल, तो अगर अगर वो कह रहे हैं, वो इतनी बड़ी पोजीशन पे हैं तो उन्होंने कुछ ना कुछ तो सर्च किया है, फाइंड आउट किया है, तभी उन्हें जो है ये सारी इन्फॉर्मेशन है, अदरवाइज हम क्यों नहीं बोल रहे हमें, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। अगर ये कहीं से इन्फॉर्मेशन आ रही है तो नेचुरली इसके ऊपर वर्कआउट चला हुआ है और डेफिनेटली जो है वो लीडर्स जो हैं हमारी तरफ आ रहे होंगे, तभी उन्होंने कहा। नहीं नहीं, ये आम आदमी पार्टी कहती है कि जो बीजेपी के लीडर आम आदमी पार्टी की तरफ जा रहे हैं, आपकी तरफ नहीं। अच्छा, आपके लीडर जो है आम आदमी पार्टी में आ रहे हैं, हमारे लीडर आपके लीडर, सो अगर हमारे लीडर आ रहे हैं और वगैरह के लिए कि ताकि उनको लग रहा है कि तो जो जाने वाला है उसको तो कोई रोक नहीं सकता, हमारे पास और लीडर बहुत है, अगर वो जा रहे हैं तो वो उनकी अपनी इच्छा है, वो उनकी अपनी पर्सनल इच्छा है, हमारे जरूरी नहीं है जो जो छोड़ के जा रहा है वही एक प्रोडक्ट है बीजेपी में, बहुत सारे प्रोडक्ट है जो जो अपना बेस्ट दे सकते हैं और वर्ल्ड की नंबर वन कंपनी है पार्टी है ना। एक मैं रोकना चाहूँगा बीजेपी में, एक बिल्कुल आपके क्वेश्चन से जोड़ना चाहूँगा, बीजेपी में एक चीज़ और है कि पता नहीं होता कल को नेक्स्ट पीएम कौन होगा, नेक्स्ट पार्टी अध्यक्ष कौन होगा, तो जिस तरह से आप दावा कर रहे हो हिमाचल में हो सकता है कल को आपको अगर MLA की टिकट मिलती है आप भी हो सकते हो उसमें। हाँ हाँ मिलेगी, मैं जरूर डेफिनेटली आपका भी नाम हो सकता है अगर जो बीजेपी की पॉलिसी है क्योंकि वो कोई परिवारवाद नहीं करती। हाँ हाँ अब हो सकता है अगर बाय लक अगर राजयोग होगा, अगर इस फील्ड में अगर मुझे समाज सेवा की उन्होंने मेरे में लगन देखी होगी और कुछ देखा होगा, नेचुरली वो हर हर चीज जो है वो सर्च करके रिजल्ट है। यस यस, दावेदारी डालोगे इस बार? अगर उन्होंने बोला कि डालो, क्योंकि वो भी वो बोलते हैं तभी डालते हैं, तो बोलेंगे तो हम जरूर डालेंगे। सबसे पहले मैं उनके लिए जैसे जो भी उनका फ्री टाइम होगा पहले तो मैं उनको एक ट्रेनिंग दूंगी कि फ्री फ्री मतलब फ्री आप कभी भी ना रहिए, जब आप फ्री हो तब तब के लिए मैं उनके लिए छोटी छोटी फैक्ट्रीज छोटे छोटे उद्योग खुलवाऊंगी कि 4 घंटे आकर के आप यहाँ वर्कआउट करो, इसकी पेमेंट इतनी, सब कुछ जो है उनको जो है वो वर्कआउट करके वहाँ पे छोटी छोटी इंडस्ट्रीज छोटे छोटे जो जो भी उनकी स्किल होगी उसको देख करके वैसे उद्योग वहाँ को खुलवा करके उनका बेस्ट टाइम चाहे वो 1 घंटा फ्री है अर्न करें, अपना अर्न करें और जाए 1 घंटे का डेफिनेट जो है सब कुछ। तो मैम एक आखिरी सवाल है कि हमारे चैनल के माध्यम से आप हिमाचल वासियों को अगर बात की जाए, चंबा की बात की जाए, हिमाचल की जाए, तो उनको क्या अपील करना क्या चाहोगे या इलेक्शन को लेकर क्या कहना चाहोगे? ये जो आपने लास्ट क्वेश्चन पूछा है ये मुझे बहुत ही पसंद आया है। मैं ये कहना चाहूँगी हिमाचल वासियों को कि किसी भी पार्टीबाजी में ना पढ़ करके इस बात पे जाएं कि हमारी डेवलपमेंट के लिए अपनी डेवलपमेंट के लिए जो है अपने गांव की डेवलपमेंट के लिए अपने एरिया की डेवलपमेंट के लिए एक मेमोरेंडम तैयार करें, अपने एक कुछ पॉइंट्स तैयार करें जो कि उनके बेस पर कि ये जो पार्टी हमारी ये वाली इच्छाएँ पूरी करेगी उसको हम वोट देंगे और पूरा का पूरा गाँव एकजुट हो जाए, जो उनकी प्रॉब्लम्स है वो लिखे हो और जो नेता आए अगर इन प्रॉब्लम्स में आप 100% हमारी ये प्रॉब्लम्स खत्म करना चाहते हो या हमारे यहाँ उद्योग लगा दोगे या हमारे कम्युनिटी शेड बना दोगे, जो आपको प्रॉमिस करता है और जो आपको उससे पहले लगवा के देता है उस पार्टी को ही वोट दें।